कितने साल से आपके पापा अलग हुए हैं? 25 साल। अरे 25 साल तो आपके पापा जी ने छोड़ा था, आप लोग तो बहुत छोटे रहे, मासूम रहे। एकदम हमें पता नहीं था ज्यादा, छोटे छोटे थे, इससे छोटा तो मेरा भैया था। उस वक्त आपका लालन पालन आपकी माँ जी ने संभाला? मम्मी ने। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी बर्तन बर्तन धोने गई। पापा कहाँ है आपके? पापा हमारे कॉलोनी में रहते हैं, काशीराम कॉलोनी। तो आपके घर में क्यों नहीं रहते? पता नहीं, मतलब बचपन में मम्मी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के अरे और जलाने की कोशिश करते पापा के, और खाना फेंक देते थे, खाना में बाथरूम कर देते थे। अच्छा। और कपड़े पूरे जला देते थे। तो भैया हरा नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। हम हैं आपके सूरज भाई। दोस्तों हम इस बार फिर आ गए हैं शकुंतला बहन के घर पर, और काफ़ी दिन हो चुके थे, हमने एक वीडियो किया था, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार और स्नेह दिया था। शकुंतला की जिसे हम बात करेंगे, और ये सारे जो हमारे पीछे बैठे हैं शकुंतला जी के भाई साहब हैं, ये इनका भांजा है, ये हमारे बीच में शकुंतला जी हैं, ये अंजू जी हैं, ये चंचल हैं। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, इंस्टाग्राम पर इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे भाई बहन मिलके, और हमारे जितने भी दर्शक हैं इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करना है दोस्तों। जो भी जिस भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं। शकुंतला जी आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शकुंतला जी आप इतना खुश तो रहती हैं, आप आज निराश क्यों हैं? आप हैं क्यों ऐसा रुखा रुखापन क्यों है? ऐसे ही बस थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, एक ठंड के कारण है क्या? ग्लिसरीन नहीं लगी? दीपक जी आप क्या करते हैं? जी मैं कुछ नहीं, एडिटर वीडियो करता रहता। अच्छा दीपक आप कुछ काम वगैरह करते हैं? नहीं दीदी लोग मतलब करने नहीं देती। अच्छा। दीदी लोग छोटे से काम कर रही हैं, मैं मतलब करने जाता हूँ तो दीदी लोग कहती नहीं करना है। अच्छा अच्छा जी। कहते थे खाना में बाथरूम कर देते थे। अच्छा। और कपड़े पूरे जला देते थे। अरे। और गल्ला उल्ला सब कुछ जला देते, मतलब एक पागल थे दिमाग से। अरे अरे अरे। लेकिन पिता है कि जैसा भी हो दारू काफी पीते थे। हाँ हाँ। और मम्मी के जेवर एवर हर चीज बेच देते। अच्छा। ट्रक चला के आते थे और मारने स्टार्ट कर देते, प्रताड़ित करते थे। मैं जब इतना था वैसे जी, मुझे याद है बहुत छोटा। और स्टेशनों मम्मी हमको पालती थी, और हम मतलब काफी दिनों तक स्टेशनों में रहे। फिर 100 रुपए 150 रुपए की वो घर मिला करता था किराए का, कच्चा कच्चा पानी चूता था और कपड़े वपड़े सब गीले हो जाते थे। ठंड के जमाने में हमें अपन रजाई वजाई कुछ भी नहीं रहती थी, बहुत मतलब बेकार लगता था। मैं संकट मोचन में जाया करता था, हम लोग लड्डू मांगा करते थे, जो पैसा वैसा लोग उसमें करके मांगा करते थे, जो लोग देता था वही हम लोग लेके आ जाते थे स्टेशन पे, जो मतलब किया करते थे। शकुंतला आपके पापा क्यों नहीं साथ में रहते? पता नहीं, दादी की चक्कर में नहीं रहते। दादी आपकी क्या कहती है? दादी नहीं रहने दे रही, भड़काती रहती है वो। अच्छा। इसलिए। अच्छा। हाँ। ये दादी आपकी मतलब किस टाइप की है, क्यों नहीं साथ में सब लोग रह रहे हैं? पता नहीं दादी, ये हमारे पापा है जो। हाँ। वो कमाते हैं इसलिए नहीं साथ वो रहने। कितने भाई आपके पापा? दो खत्म हो गए, एक बच्चे हमारे पापा का बच्चे अभी खत्म। अच्छा। दादी ये दादी के साथ ही रहते हैं? दादी के साथ। साथियों समाज में आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, और ये जो वीडियो है आप लोगों को झकझोर के रख देगा। शकुंतला जो बर्तन साफ करती है यूं ही नहीं करती, उसका शौक नहीं है, मजबूरियां करा रही है दोस्तों। जब व्यक्ति हालातों से गुजरता है, मजबूरियां उसको चारों तरफ से घेरती हैं, तब वो ना जाने कैसे कैसे काम करने के लिए तैयार होता है। यहाँ तक कि बर्तन धुलना, जो खाना बराती घराती खा के छोड़ देते हैं, वहाँ तक उस भोजन को वो लोग एकदम अपना समझते हैं कि इसको हम खाएंगे, निवाला बनाते हैं। शकुंतला के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। शकुंतला के पापा शकुंतला के लोगों के साथ नहीं है। दीपक जी ने जैसा कि बताया इस तरह की दीन दशा कि इनके पिताजी किस प्रकार से मम्मी को प्रताड़ित करते थे, फिर माताजी ने सोचा कि इससे अच्छा है अलग ही रहा जाए, किसी तरीके से जीवन काटा जाए। और वो बेचारी स्टेशनों में जाकर के किसी भी तरीके से मांग कर के कुछ दे देता था, इनका जीवन यापन कराया और ये पाल पोस के आज इनको बड़ा कर दिया। साथियों जो घटनाएं होती हैं अक्सर समाज में, मैं उन परिवारों से और बहुत से ऐसे परिवार पीड़ित हैं और जलील होते हैं जो अपने जो शराबी होते हैं पिता, कोई माँ से परेशान है, कोई पिता से परेशान है, कोई कहीं ना कहीं परेशान है। लेकिन
जो ये सच्ची कहानी है दोस्तों, ये आप लोगों का दिल झकझोर देगी और दिल से आंसू आ जाएंगे। शकुंतला के पिता इस समय दादी के साथ रहते हैं और ये लोग मनाते हैं आपके या पापा हमारे साथ आए? हाँ, हम लोग खूब चाहते हैं कि हमारे पापा हमारे साथ रहे, कमाए ना, क्या जरूरत है उन्हें कमाने की, हम खिला सकते हैं उनको। लेकिन वो दादी कहती है नहीं, भड़काती रहती है पापा को, तो नहीं आते वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, दादी भड़काती है तो दादी को बड़ा सुख मिलता होगा ना? हाँ। नाती पोतों की याद नहीं आती होगी? नहीं, उन्हें नहीं आती। बड़ी पथरा दिल की है दादी। अच्छा, दूसरी तो जैसे आप वीडियो बनाती हैं तो पता है पापा को कि शकुंतला हमारी वायरल है? उनको अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो वायरल है। अच्छा, मेरा नाम रोशन हो रहा है। ये का नाम रोशन हो रहा है? लेकिन मैंने रहता तो, लेकिन तुम्हें दादी को रखना पड़ेगा तुम साथ में। अच्छा। लेकिन हमारी दादी उस तरीके नहीं, मम्मी से बहुत लड़ती, मरवाती थी। हाँ, हाँ। अभी भी वही हरकतें। तो जैसे पापा आपके नहीं तो आप लोग सब खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश हैं, है ना? हाँ, कहते हैं कि नहीं है तो ही ठीक है। हाँ। अब ये रहते हैं तो परेशान करते हैं। हाँ, है ना? हाँ। लोग बोलते कि पिता को रख लो, यहाँ क्या करेंगे बुढ़ापे में, क्या करेंगे। हम कहते हैं कि रहो हमारे साथ, लेकिन दादी को भी रखना पड़ेगा तभी हम रह सकते हैं। भाई कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे के साथ बाप रहे, हरा भरा परिवार रहे, है? लेकिन हमने बोला ना कि अपने बेटे के पास जाओ, तुम्हारा सगा बेटा है जो जन्मा बेटा, उनके पास जाओ, तो उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। करे उनके पास नहीं जाएंगे, उनका बेटा जो सिखाता है कि अम्मा तुम इनको छोड़ना नहीं, मतलब जब तक हाथ पैर चल रहा तब तक इनको छोड़ना नहीं। हम अपना हिस्सा वस्ता कुछ नहीं मांग रहे, हमारा हिस्सा भी है इसमें, हम तब भी नहीं मांग रहे। हम दादी को अपने बेटे उधर गई तुम बेच बेच के, तब भी वो दादी तैयार नहीं है कि मतलब नहीं, वो दादी सोच रही कि मतलब इनके साथ रहे तो इनको मोहरा बना के तो मतलब खड़ा होना पड़ेगा ना हिस्सा लेने के लिए, तो इनको वो सोच रही इनके सपोर्ट से मिलेगी वो। अच्छा। हम लोग कह रहे लिए रहे, चाची लोग हमारे लिए है तो वो लिए रहे अपना। अच्छा। हमें नहीं चाहिए कुछ। देखिए जो कहानी है दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और इनके बच्चे हैं जो शकुंतला के पिताजी के, सारा जो परिवार हमारे साथ बैठा है ये हकीकत बता रहा है दोस्तों। सबको ये आया होगा लेकिन किसी ने इनका हाल नहीं जाना होगा, किस करियर कंडीशन पे रह रहते हैं। सब आए हैं, चमका के चले गए, कोलैब किया, वीडियो किया, बढ़िया फेम कमाए, भग गए। फिर चिंता नहीं हुई शकुंतला की किसी की, यहाँ ऐसे ही होता है। जो गरीब होता है उसका यूज किया जाता है, क्योंकि बड़े लोगों से तो औकात नहीं मिलने की, छोटे से ही मिल लिया जाए, ये सिस्टम होता है ना आजकल के समाज का, इसी का लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं गहराई से इनका हालचाल जान रहा हूँ, तभी ना पता चलेगा मुझे कि इनके पापा नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी बात है। पापा आपके वीडियो देखते हैं तो क्या कहते हैं? पापा तो अच्छा बोलते हैं लेकिन जो दादी है, दादी हमारी तो बेकार ही है। अच्छा। ये क्या कर रही पगलापन, और जाके यहाँ रहो और जाओ अपने ससुराल, ये सब हमारे नहीं होता है। मतलब आप ससुराल दिख रहा, जब हम छोटे छोटे थे तो नहीं सोचा कि कहाँ है जिंदा है कि मर गई, सोचा ना। सही सही। अब इन्हें हम बड़े हो गए, हमारे पास अच्छा है, वायरल चल रहा है इस समय, हम लोग तो लोग भड़का रहा है, तो मैं पापा को भड़काती है, लेकिन हमारे पापा बात नहीं मानते। अभी भी उसी तरह ही, जिस तरह थी दादी हमारी उसी तरह ही अभी। कहते नहीं है रसरी तो जर गई लेकिन अठन नहीं गई। दादी का जो स्वभाव है पुराने मॉडल का है, दादी की जो सोच है पुराने प्रवृत्ति की है, दादी आधुनिक जीवन नहीं जी रहे। अगर दादी नाती पोतों के साथ रहें तो बढ़िया जीवन जिए और सब लोग दादी के साथ प्यार स्नेह बांटें। और खान सर ने कहा था कि एक हिस्सा हम खो देते हैं जिनके दादी दादा नहीं होते, लेकिन इनके तो दादी भी हैं, लेकिन दादी इनकी बहुत खतरनाक है, वो नहीं चाहती है कि हम सब लोग संयुक्त रूप से रहें। कंडीशन इस प्रकार की है दोस्तों। शकुंतला कितना बेकार लगता है पापा नहीं है, है ना साथ में? बेकार तो लगता ही। हम बताइए। हाँ हाँ, हम चाहते रहे लेकिन नहीं रहना चाहते, दादी के साथ वो रहना चाहते, हमारे साथ नहीं रहना चाहते, हम क्या कर सकते थे। बताइए, हम भी सोच रहे थे कि पापा जैसे मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे, सबको लगता है जीते जी अगर बाप है तो दोस्तों कौन नहीं चाहता मिलना, ना दी दुनिया में रहते हो एक अलग बात होती है। हाँ। है ना? तो आप अपने पापा जी को बुलाना चाहते हो? हाँ, बुलाना चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दादी अपने लड़के के साथ जाए और मैं पिताजी को यहाँ भेज दे। हम रखे नाती बहू भी, मतलब नाती वाती भी है और बहू कह रही अच्छी है। अब बात करती है अपने बेटे से, बात करती है ना, तो हमारे पापा के साथ क्यों रह रही है? रहने नीचे तो जानबूझ के रहती है, सोच रही कमाई मिलेगी और मैं अपने बेटे को आराम से खिलाऊंगी। गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है। अच्छा। वो कमाने जाता नहीं, तो हमारे बाप कमाता है तो उसको देती है, वहाँ भिजवाती है। ये दोस्तों मोह माया इंसान को खाए डाल रही है। जर जोर जमीन, तीन चीजें इंसान को एकदम खोखला कर देती है। ये पता नहीं कब सिलसिला बंद होगा।
ये जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल वास्तविक बातें बता रहे हैं। कौन सा गांव है शकुंतला आपका? गांव नहीं, हम बांदे के हैं ना। अच्छा, प्रॉपर मूल रूप से ही रहते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों, अरे बिना खुद से मेहनत करके लोग खा कमा रहे हैं, कुल मिला के आत्मनिर्भर हैं। जैसे भी हो, कम से कम अपना जो है स्वयं से मेहनत करके खा कमा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी मांगने से अच्छा है हम अपने हाथ पैर चलाएंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे, है ना। सबसे अच्छा श्रेय इनकी माताजी को जाता है, जो इन्होंने अपने बच्चों को जो भी निवाला कहीं से पाया, खिलाया और इनको आज खड़ा किया, जवान किया, बड़ा किया। सबसे बड़ा श्रेय इनकी माताजी को जाता है, हाँ, है ना। मम्मी हाँ। के बारे में क्या बोलेंगे आप? हमारी मम्मी मतलब इतना कष्ट झेली है, हम नहीं चाहते कि आगे भी जाके झेले। माँ तो माँ है, माँ की ममता बहुत अपरंपार है। दीपक, पापा को लाया जाए? लाए तो जाए लेकिन आ ही नहीं रहे। अच्छा, मैं जाता हूँ तो दाई मतलब दादी नहीं हमारे आने देती। हाँ, दादी दादी जेवार जा जा जेवा के पीछे पड़ी है, मतलब ले लो जितना लेना हो। उसको अगर पैसा दिखा दे तो मतलब 1,00,000 रुपए उसको दिखा दे तो पापा को हमारे छोड़ के चली जाएगी तुरंत। मतलब पैसे की लालची? हाँ, एक सेकंड में वो छोड़ के चली जाएगी पापा को। हमने कहा मतलब कि अभी तो अपने लड़के के पास जाओ तुम, हम अपने पिता को हम अपने पास लिए जा रहे, क्योंकि जब भाई हम लोगों ने तो माफ भी कर दिया, मम्मी से भी मैंने बात किया था जी। तो मतलब पहली बात तो कोई भी माँ होती है तो इस तरह तैयार नहीं होती रहने की, लेकिन वो बोली कि नहीं नहीं रखना इतना, मतलब उस तरह किया और मारा कूटा। स्टेशनों में रात गुजारी मम्मी ने, सर्दियों में तो हालत खराब, जिनके पास घर है उनकी तो हालत खराब है सर्दियों में। लेकिन क्या, मैंने कहा तो फिर मम्मी करी ठीक है रख लो अपना। तो हम सोच रहे थे कि मतलब रहेंगे पापा तो हम लोग बढ़िया एकदम मतलब कुछ लेंगे, जैसे कभी मान चलो अगर सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मतलब लेंगे कुछ और घर वर बनवाएंगे, फिर हम लोग घूमेंगे अच्छे से। मतलब जो ये इंसान आया है मतलब लाइफ अच्छी जीने के लिए सभी आया है, लेकिन लोगों की वजह से उन्हें अच्छी लाइफ जी पाता है। बाबू क्या नाम तुम्हारा? गोलू। गोलू, नाना कहाँ है आपके? दिल्ली में है। अच्छा, तो तुम कहाँ हो? इंग्लैंड में। तो नाना को यार लाओ लिवा के। बाबा की बात, वो आई नहीं है हमारे घर। क्यों नहीं आ रहे हैं? कांटे क्या तुम्हारे घर में? कांटे नहीं, वो अच्छा स्कूल का नाम बता दो। स्कूल का नाम नहीं पता। अच्छा बताओ मामा क्या नाम तुम्हारा? मौसी का नाम बता दो। शकुंतला। और चुन्नी। और मंजू। अच्छा, मंजू मम्मी। तुम्हारी मौसी का नाम? अंजू। अंजू, अच्छा ये बताओ खाना खाते कि नहीं खाते? खाता हूँ। क्या क्या खाते हो? खाने में क्या खाते हो? अच्छा मामा से मार भी खाते कि नहीं खाते? हैं मार खाओगे ना तो शरीर बन जाएगा तुम्हारा, है? अच्छा मार नहीं खाते हो, पढ़ने डेली जाते हो? गर्दन क्यों ढिला रहे? मुंह से बोलो। नानी कहाँ है आपकी? नानी काम चली गई है। काम चली गई, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। अच्छा, शुक्ला जी इसके परिवार से सारे हरे भरे भाई बहनों से मिलके बड़ा अच्छा लगा। और दोस्तों ये जो कहानी है, जब आप सुनेंगे तभी हृदय आपका पिघल जाएगा दोस्तों, मोम की तरह। कौन नहीं चाहता कि हमारे पापा साथ में रहें? सब कोई चाहता है। साथियों जो भी आप लोग कहेंगे मैं वैसे ही राय लूँगा आप लोगों की, और इनका जो है पारिवारिक समागम और संगम कराया जाए सब लोग मिलके, सभी ताकि सब लोग साथ में रहें, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहें सुनते रहें शकुंतला बहनी के साथ। हमारा जो वीडियो खूब आप लोग लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके अपना सहयोग प्रदान करें छोटा सा, और आपका भाई आपके लिए हमेशा निरंतर काम करता रहता है और वीडियो लाता रहता है। तो मिलता हूँ आपको अगले नए वीडियो के साथ, तब तक जय वीर बुंदेलखंड, जय बांदा, जय शकुंतला जी, धन्यवाद।